नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 5 नवंबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, आय में निश्चितता से वृद्धि होगी और व्यर्थ भाग दौड़ बनी रहेगी। समय का अपव्यय होता नजर आ रहा है। दूर से दुखद समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रसन्नता किसी बात को लेकर जरूर होगी, लेकिन बड़े सौदे जो हैं बड़ा लाभ देने के लिए भी उत्सुक हैं। कुबुद्धि हावी हो सकती है, सावधानी बरतें। वृषभ राशि, विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी प्राप्त होगा। म्यूचुअल फंड में सोच समझ कर हाथ डाले, जल्दबाजी ना करें। समय अनुकूल है, यात्रा मनोरंजक रहेगी और किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आय में वृद्धि होती नजर आ रही है। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। निवेश शुभ रहेगा, भाग्य का भी साथ रहेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। कर्क राशि, ऐश्वर्य पर खर्च होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता भी हो सकती है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि नीचा दिखना पड़े। सिंह राशि, दूर से शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शत्रु शांत रहेंगे और वाणी पर लेकिन नियंत्रण रखना है। व्यय हो सकता है, जोखिम उठाने का साहस आज करेंगे, आय बनी रहेगी। कन्या राशि, व्यवसायिक यात्रा से लाभ होगा। किसी बड़ी समस्या का हल भी प्राप्त हो सकता है। प्रसन्नता होगी, अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं और दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से बचना है। तुला राशि, आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे। मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और धनार्जन होता रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसायिक यात्रा भी लाभदायक रहेगी और मित्रों का सहयोग तो मिल ही रहा है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होती दिख रही है। कुछ शारीरिक कष्ट संभव है। धनु राशि, आराम का समय मिलेगा। आशंका कुशंका रहेगी। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है और कार्य प्रणाली में भी सुधार हो सकता है। कारोबारी नए अनुबंध हो सकते हैं, प्रयासरत रहें। मकर राशि, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता दिख रहा है। कारोबारी लाभ में वृद्धि होगी, धनार्जन होता रहेगा और नौकरी में भी शांति बनी रहेगी। कष्ट भय व चिंता का वातावरण थोड़ा संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। शारीरिक शिथिलता रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। नौकरी में अपेक्षा अनुरूप कार्य नहीं होने से अधिकारी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, सावधानी बरतें। मीन राशि, पूजा पाठ में मन लग रहा है। यात्रा मन के अनुकूल लाभ देगी और राज भय रहेगा। जल्दबाजी व विवाद करने से बचना है। थकान भी महसूस हो सकती है। कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है वो अंक शास्त्र है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथी और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का, किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से अधिक भरोसा करने से हानि हो सकती है। परिजनों के साथ प्रेम और स्नेह का भाव बनाकर रखना है। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक दो के जो जातक हैं, आज आय और व्यय में नियंत्रण रखने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई भी बना बनाया काम बिगड़ सकता है। घर के बड़ों की सलाह को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। उपाय है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक तीन के जो जातक है उनको, विद्यार्थी वर्ग है उनको, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होते दिख रहे हैं और उनके करियर में भी तेजी दिखाई देगी। परिवार के सदस्यों से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक चार
मूलांक 4 के जातकों के लिए विदेश में संपर्कों में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम की समस्या आम बात होगी। उपाय, धूम्रपान करने से बचना है। मूलांक 5 के जातक व्यापारी अपनी वाणी से ग्राहकों को लुभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंगों में भी युवाओं को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातकों को घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल मिलेगा। बहुत दिनों से लंबित कार्यों को गति प्राप्त होगी। कलात्मक कार्यों में भी आपकी प्रतिभा में निखार होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 धर्म कर्म के कामों में आपकी आस्था बढ़ती दिख रही है। संतान की किसी परेशानी को हल करने में उसकी मदद करेंगे, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी पुरानी बीमारी से आज राहत मिल सकती है। उपाय के तौर पर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। मूलांक 8 इन जातकों के लिए परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने का आज मौका है। बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखने की कोशिश करनी है, अन्यथा उनको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है या कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। कारोबार के लिए कोई नई मशीनरी खरीदने का भी विचार बना सकते हैं। उपाय करें, उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। सकारात्मक परिणाम। मूलांक 9 आज काम की अधिकता बनी रहेगी, जिस कारण कोई भी महत्वपूर्ण निजी काम पूरा नहीं हो पाएगा। युवा वर्ग नए दोस्तों को चुनने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, और विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। उपाय, हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 5, 2023 रविवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त शाम 5:42 पर, चंद्रोदय 6 नवंबर रात 12:19 पर, चंद्रास्त 5 नवंबर रात दोपहर 1:14 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी नवंबर 5 रात 12:59 से 6 नवंबर रात 3:18 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 6 नवंबर रात 3:18 से 7 नवंबर सुबह 5:51 तक। नक्षत्र पुष्य 4 नवंबर सुबह 7:57 से 5 नवंबर सुबह 10:29 तक। आश्लेषा 5 नवंबर सुबह 10:29 से 6 नवंबर दोपहर 1:22 तक। करण बालव 5 नवंबर रात 1 बजे से 5 नवंबर दोपहर 2:06 तक। कौलव 5 नवंबर दोपहर 2:06 से 6 नवंबर रात 3:18 तक। तैतिल 6 नवंबर रात 3:18 से 6 नवंबर शाम 4:34 तक। योग शुभ 4 नवंबर दोपहर 1:02 से 5 नवंबर दोपहर 1:36 तक। शुक्ल 5 नवंबर दोपहर 1:36 से 6 नवंबर दोपहर 2:25 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:19 से शाम 5:42 तक। यमगण दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक। कुलिक दोपहर 2:56 से शाम 4:19 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 4:14 से शाम 4:58 तक। वर्ज्यम रात 12:49 से रात 2:37 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है।
भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख समृद्धि और आयोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्यदेव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरे लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आँखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चार मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर, मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर, जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातलवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहां शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल
काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।